नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दक्षिण पूर्व रेलवे के सुरसा पोस्ट के अधिकारियों व जवानों ने आरपीएफ के स्थापना दिवस सप्ताह के अवसर पर रन फॉर राइजिंग डे कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आरपीएफ के अधिकारियों व जवानों ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दक्षिण पूर्व रेलवे के सुरसा पोस्ट के अधिकारियों व जवानों ने आरपीएफ के स्थापना दिवस सप्ताह के अवसर पर सुरसा पोस्ट के इंस्पेक्टर लाल बाबू यादव के नेतृत्व में रन फॉर राइजिंग डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में आरपीएफ के अधिकारियों व जवानों ने सुरसा से काली माटी तक करीब 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई और वहां से सभी सुरसा आरपीएफ पोस्ट वापस आए। आपको बता दें कि आरपीएफ का 36वां स्थापना दिवस 20 सितंबर को था। इसी के तहत आरपीएफ अपना स्थापना सप्ताह मना रहा है। वैसे तो रेलवे सुरक्षा बल का इतिहास गौरवशाली रहा है। 20 सितंबर 1957 को सरकार ने रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल को संघ के सशस्त्र बल का दर्जा प्रदान किया, लेकिन स्थापना दिवस समारोह मनाने का शुभारंभ 20 सितंबर 1985 को किया गया। इसके बाद से आरपीएफ का हर साल 20 से 26 सितंबर तक स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN। मैं हूँ पुरुलिया से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो दिनेश चंद्र कोयरी। आज जब पुलिस स्थापना है उसी के बारे में हमारे यहाँ सुरसा आउटपोस्ट के जोशी साहब से थोड़ा बातचीत करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। लोग का आरपीएफ पे जो स्थापना दिवस है, इसमें आप आरपीएफ जवानों या देशवासी के लिए क्या बोलना चाहते हैं? आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर 1985 से हम लोग मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसी दिन आरपीएफ का स्थापना हुआ था। तब से हम लोग प्रत्येक साल प्रत्येक डिवीजन प्रत्येक रेल में यह स्थापना दिवस मनाते हैं। इस स्थापना दिवस के अवसर पर परेड ऑर्गेनाइज किया जाता है, साथ ही साथ कुछ विशेष काम भी किया जाता है, जैसे परेड हुआ, बच्चों का कंपटीशन हुआ, प्लांटेशन हुआ, रन फिट फॉर इंडिया के तहत हम लोग आज हम लोगों ने 5 किलोमीटर का दौड़ प्रतियोगिता किया, जिसमें सुरसा स्टेशन से लेकर काली माटी तक हम लोग ने दौड़ किया तथा वहां से फिर हम लोग वॉकिंग के माध्यम से यहां आए। टोटल 10 किलोमीटर हम लोग रन और वॉकिंग किए हैं। यह प्रोग्राम हमारे माननीय मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत यादव के द्वारा निर्देशित की गई थी, जिसके तहत हम लोगों ने आज यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कल फिर हम लोग प्लांटेशन का प्रोग्राम करेंगे, उसके तहत हम लोग अपने नेताजी गार्डन के पास में प्लांट करेंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।